नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है एक न्यू कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड। न्यू कोर्स कौन सा है तो ये है AIML मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये जो कोर्स है पहली बार झारखंड में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या है प्रोसीड्योर, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी क्या है, सारा डिटेल में लेकर के आया हूं आपके लिए। जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको वीडियो से पहले भी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें जो है क्या है कोर्स, इससे आगे का फ्यूचर में क्या है। तो जो स्टूडेंट के पास ये वीडियो आप नहीं गया होगा वहां तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भलाई हो जाए। अगर वीडियो नहीं भेजना है तो आप उनको जानकारी जरूर दे दीजिए कि यहाँ पर ये कोर्सेस हो रही है और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची ये पहला ऐसा कॉलेज है और ये रांची यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज रांची में ये कोर्स पूरे झारखंड में पहली बार ये कोर्स को लॉन्च किया गया है और कराया जा रहा है वो मारवाड़ी कॉलेज रांची में कराया जा रहा है। इस बार से एडमिशन चालू हो चुका है, डायरेक्ट एडमिशन है। क्या है प्रोसीड्योर, चलिए मैं आगे उस पर बात करता हूँ। तो पहले बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपल से 12 पास और 45% एबव होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट 12 पास हैं PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर बायोलॉजी भी होगा तो उसके साथ में मैथ्स चाहिए, अगर मैथ्स नहीं है तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है, PCM होना चाहिए। अगर PCM है तो फिर आप साइंस वाले, यानी कि आप बोलिएगा कॉमर्स और आर्ट्स वाले, कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले के लिए नहीं क्योंकि ये BSc कोर्स है, BSc वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, जो आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होती है, तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में जो है ये आपका BSc वोकेशनल कोर्सेस है। BSc ऑनर्स 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल का कोर्स है, 3 साल में आपको यहाँ पर UG डिग्री मिल जाएगा। जो UG डिग्री मिलेगा AIML में मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर में, तो कोर्स 3 साल का है। BSc डिग्री मिलेगा आपको वोकेशनल में। उसके साथ साथ में बात करें कि इसमें जो है ये झारखंड में पहली बार लॉन्च हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट पहले आएंगे उनको पहले एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन है, 45% से ऊपर होना चाहिए, PCM होना चाहिए। इसमें हम बात करें कि आपका कोर्स फी क्या लगेगा, तो कोर्स फी जो है बाहर अगर आप जाते हैं, दूसरे आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं क्योंकि ये कोर्स पहली बार झारखंड में अवेलेबल है, इससे पहले जिनको भी करना था वो बाहर जाने थे, तो बाहर जाते थे तो उसके लिए फिर उनका ज्यादा खर्चा होता था, उनका फी भी ज्यादा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसके लिए आपको जो है 15,000 पर ईयर देना पड़ेगा। 3 साल का है तो 15, 15, 30 और 45 मतलब 45,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी होती है ST SC OBC के लिए जो है ये आपका स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है ई कल्याण के माध्यम से। तो चलिए मैं बात करूं कि ये जो है सीट कितनी है, तो सीट आपका 120 टोटल सीट है, 60+60 मतलब कि जो है 2 शिफ्टों में चलेगी, मॉर्निंग इवनिंग की बात करें या मॉर्निंग आफ्टरनून की बात करें तो वो 60+60 मतलब 120 सीट है। जो पहले आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा। जनरल के लिए जो फॉर्म भरने के जो चार्जेस हैं, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, वहीं पे ST SC की बात करें तो 400 रुपये है। इसमें कोर्स करेंगे तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आगे जाकर के मैं उसकी बात करूं, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इस कोर्स में जो इंक्लूडेड है, जो सिखाया जाएगा आपको, तो वो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, C++ सिखाया जाएगा, पाइथन विथ मशीन लर्निंग सिखाया जाएगा, एल्गोरिदम सिखाया जाएगा, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेस इसमें ऐड किए गए हैं इस आपका AIML कोर्स के ऊपर। और आप सभी को पता है AI का कितना महत्वपूर्ण है, AI कितना महत्वपूर्ण है आपको आगे बढ़ने के लिए। वहीं पे बात करें कि इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां एडमिशन सेक्शन दिया हुआ है, एडमिशन सेक्शन में जाइए, एडमिशन सेक्शन के जैसे ही नीचे जाएंगे, एडमिशन सेक्शन के नीचे में वहां पर आपको क्लिक कीजिएगा, सबसे नीचे आप चल जाइएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ में जाना है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है आपको वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड में आपको क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा, फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं फॉर्म का प्रिंटआउट निकालेंगे, प्रिंटआउट निकालने के फॉर्म कब कंप्लीट होगा, जब आपका 500 रुपये और 400 रुपये जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, जो ST SC के लिए 400 और OBC जनरल के लिए 500, उसको आप पेमेंट कीजिएगा, फॉर्म फिलअप होगा, उस फॉर्म का प्रिंटआउट निकालेंगे,
उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आना है कॉलेज में, मारवाड़ी कॉलेज बॉयज सेक्शन में आना है, महात्मा गांधी प्रशासनिक भवन से जस्ट ऊपर में ऑनलाइन सेक्शन है वहां पर, या फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए जो है वेरिफिकेशन कहां हो रहा है, वहां जाकर वेरिफिकेशन कराना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, उसके साथ साथ दो दो जेरोक्स भी लेकर के आना है। तो कॉलेज के वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा क्या, वोकेशनल का अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके लाना है। उसके साथ साथ में क्या क्या और डाउनलोड करके लाना है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर वहां से बताया जाता है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कर लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज के बाहर में बहुत सारे कैफे हैं वहां से आपको मिल जाएगा। दो चीजें हो गई, तीसरे थिंग आपका क्या है कि आपका CLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन ओरिजिनल लाना होगा। 12th का डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, 12th एंड 10th में जो है आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये ओरिजिनल लाना होगा। फोटो आपको ओरिजिनल लाना होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट। और जाति आवासीय आई से है तो आपका, अगर जाति से है तो जाति आवासीय आई लेकर के आएंगे तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सारे कोर्सेस, मतलब कि ये इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ में ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में आइए, वेरिफिकेशन करवाइए। वेरिफिकेशन होने के 24 से 48 घंटा के अंदर में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म भरे हैं मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, वहां डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ में चले जाएंगे, वहां से अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, 24 से 48 घंटा के बाद में आपको क्या होगा, एडमिशन फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जो 15,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा पहला ईयर में, दूसरा ईयर में 15, तीसरा ईयर में 15,000। तो उसमें जैसे ही पेमेंट आपका हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद में रिसिप्ट जो है कॉलेज में जमा करना होगा, कॉलेज में जमा करेंगे तभी जा करके फिर आपको आईडी कार्ड इशू किया जाएगा। तो बस यही है प्रोसेस, इस प्रोसेस के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तक एक वीडियो जरूर बनाइए, देख लीजिए मेरा पसीना कितना निकल रहा है आप लोगों के लिए, जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इसलिए पसीना निकल रहा है कि पंखा ऑन नहीं किया हूं, क्योंकि पंखा ऑन करूंगा तो आपको क्लियर आवाज नहीं आएगी। चले कोई बात नहीं, लेकिन इस मेहनत को आपके तक पहुंचा रहा हूं तो आप भी दूसरे तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनका भला हो पाए। नया कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आने वाले दिन में AI का क्या यूज है आप सभी जानते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो भी नया कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं, या फिर आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में जिनको भी इंटरेस्टेड है, आप जरूर फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के एडमिशन लीजिए। 45% से ऊपर है, डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। लिमिटेड सीट है, याद रखिएगा लिमिटेड सीट है, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जाना होगा। जल्दी जाइए, जल्दी से एडमिशन लीजिए। दिक्कत होती है कॉमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने का, और शेयर करते रहिए दबा करके। बहुत बहुत धन्यवाद।